करना हमारी हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। जिम जाने से हमारी बॉडी बनती है और इसके अलावा हम काफी फिट एक्टिव रह पाते हैं। तो ऐसे में काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि उन्हें मॉर्निंग वर्कआउट करना चाहिए फिर इवनिंग वर्कआउट। स्पेशली उन लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन होता है जिनके पास में मॉर्निंग में वर्कआउट करने के लिए टाइम नहीं होता। ऐसे में वो कंफ्यूज होते हैं कि इवनिंग वर्कआउट के फायदे उतने होते भी हैं या फिर नहीं। तो वो जानते हैं कि मॉर्निंग वर्कआउट और इवनिंग वर्कआउट में क्या ज्यादा बेहतर है, क्या करना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। इस चैनल पर हम आपके साथ में हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड सारे टिप्स एंड वीडियो शेयर करते हैं, तो चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब करें। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इवनिंग और मॉर्निंग वर्कआउट में क्या बेहतर है। तो जैसे कि हमने पहले ही बताया कि वर्कआउट हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ऐसे में आप मॉर्निंग में वर्कआउट करें या फिर इवनिंग में, दोनों में ही बेहतर है। हालांकि दोनों वर्कआउट के अलग अलग फायदे होते हैं, तो जानते हैं पहले मॉर्निंग वर्कआउट के क्या फायदे हैं। अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हो तो मॉर्निंग में वर्कआउट करने से एक तो आपका रूटीन मेंटेन रहता है, क्योंकि मॉर्निंग में आपके पास में कोई ज़्यादा काम नहीं होते हैं जिससे आप आसानी से रेगुलर जिम जा पाते हो। इसके अलावा अगर आप वेट कम करना चाहते हो तो आपके लिए मॉर्निंग वर्कआउट बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि मॉर्निंग में जब आप वर्कआउट करते हो तो उससे वर्कआउट के बाद में हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम होता है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है, हमारी मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है जिससे कि हमारा खाना जल्दी से पच जाता है और हम वेट आसानी से कम कर पाते हैं। इसके अलावा मॉर्निंग वर्कआउट करने से हम पूरे दिन फ्रेश और एक्टिवली वर्क कर पाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में ही हम काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो चुके होते हैं वर्कआउट की वजह से। आइए जानते हैं अब इवनिंग वर्कआउट के फायदे। इवनिंग में वर्कआउट करने के अपने अलग फायदे हैं। इवनिंग में वर्कआउट करने से आपके अंदर वर्कआउट परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होता है, क्योंकि आपने पूरे दिन में काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज ली होती हैं, अच्छा खाना खाया होता है जिससे कि आप वर्कआउट के दौरान ऊर्जा नजर आती है और आप आसानी से बेहतर वर्कआउट कर पाते हैं। इसके अलावा इवनिंग में वर्कआउट करने से आप क्योंकि वर्कआउट करते हो तो उससे ज़्यादा टायर्ड भी हो जाते हो और फ्रेश भी हो जाते हो, तो जिससे आपको नींद बेहतर आती है। तो अगर आपको नींद की समस्या है तो आपके लिए इवनिंग वर्कआउट बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि वर्कआउट के बाद में थक के आप आराम से गहरी नींद में सो पाओगे। इसके अलावा इवनिंग वर्कआउट उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जिनके पास में मॉर्निंग में टाइम नहीं होता, तो आप ऑफिस से डायरेक्ट इवनिंग में वर्कआउट करने के बाद में अपने घर जा सकते हो और रिलैक्सली अपने काम पूरे कर सकते हो। तो मॉर्निंग हो या इवनिंग, दोनों ही वर्कआउट बेहतर हैं। आपके पास में जो समय है उस समय करिए, दोनों के बहुत ज़्यादा फायदे हैं और दोनों ही वर्कआउट से आप काफ़ी ज़्यादा फिट रह सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।